हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का हुआ प्रमोशन, हम शकल्स की टीम ने शूट किया स्पेशल एपिसोड, अक्षय और सोनाक्षी ने दिए मीडिया इंटरव्यूज, ईशा नजर आई फूड शो पर, एक्टर्स को किया गया फिलिसिटेट, क्या कंगना बनेगी सैफ की को स्टार, प्रियंका ने लूज किया अपना वेट, क्या कटरीना नहीं करेंगी आइटम नंबर, बिग बी ले रहे हैं एक्टिव इंटरेस्ट, करण जौहर के गिफ्ट आइडियाज, राम संपत का न्यू प्रोजेक्ट, आदित्य के स्पीडी वेज, रहमान की लाइव परफॉर्मेंस, प्रियंका की परेशानी, प्राची की प्रोफेशनलिज्म, सोनाक्षी की विश फुलफिलमेंट, सलमान ने किया नामकरण, शाहिद की साईफाई फिल्म, श्रितिक की बड़ी फिल्में, वीर और सोहा की फिल्म होगी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड। तेरा नाम हम्प्टी क्यों है? बचपन में ना बहुत मोटा था मैं, तो मेरे दोस्त मुझे हम्प्टी बुलाने लगे, तो फिर राकेश बन गया हम्प्टी। मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ शुक्ला उनकी अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का प्रमोशन करने गए एक डांस बेस्ड रियलिटी शो के सेट्स पर, जिसे जज कर रही हैं माधुरी दीक्षित, करण जौहर और रेमो डिसूजा। इन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए शेयर किए अपने व्यूज। हमने बहुत मस्ती की अंदर, फर्स्ट प्रीमियर एपिसोड है, बट दे वर सो सपोर्टिव एंड दे वर लाइक वी वर डूइंग थिंग्स फ्रॉम द फिल्म। हमने हम्फीली सोफी के साथ, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, पूरे कास्ट के साथ एक्चुअली। हम लोग यहाँ सब तीनों आए थे टू लॉन्च द सॉन्ग सैटरडे सैटरडे, व्हिच इज द फर्स्ट ट्रैक ऑफ हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। आलिया और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इसको लेके। शकल्स फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने रिसेंटली फिल्म के प्रमोशन के लिए एक स्पेशल कॉमेडी एपिसोड शूट किया, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है, होटे सभी सिक्कों की ये टकसाल है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। थोड़ी रातों पे खुमारियों की बारिश करे, आज बीते नहीं उनसे गुजारिश करे। हॉलीडे फिल्म के एक्टर्स यानी अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा को रिसेंटली उनकी इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मीडिया इंटरव्यू देते हुए स्पॉट किया गया, वेयर दे स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट दिस फिल्म। एक सोल्जर अपने हॉलिडे पे आता है बहुत मेहनत करने के बाद, बॉर्डर पे काम करने के बाद, और इधर आके रियलाइज करता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जिनको कहते हैं स्लीपर सेल्स। और इस फिल्म के अंदर वो बताया जाता है कि स्लीपर सेल्स क्या है, क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ, सो बकायदा जब मैं हॉलिडे पे हूँ लेकिन फिर भी दिमाग काम पे लगा हुआ है, क्योंकि आई कैन सी समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग इन आवर सिटी। मैं खुश हूँ कि लोग प्रोमोज और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ नज़र आता है कि एक जिस तरह की फिल्में हमने की है उससे काफ़ी अलग है, ये एक एक्शन थ्रिलर है, एंड आई डोंट नो आधी जंग जीत चुके हैं या नहीं, वो तो फ्राइडे सैटरडे संडे को पता चलेगा, बट उम्मीद यही है कि जितना लोग प्रोमोज को अप्रिशिएट करें उतनी फिल्म को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छी बनी फिल्म है। एक्ट्रेस ईशा देओल, जो कि लाइमलाइट से काफी वक्त तक दूर रही, हाल ही में नजर आई एक फूड शो की शूटिंग करते हुए, जहां वो सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर आई थी। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को देखा गया फोर्थ भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड्स इवेंट को अटेंड करते हुए, जहां इन सारे एक्टर्स को फिलिसिटेट किया गया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा। खबर मिली है कि तलाश की डायरेक्टर रीमा काकती ने उनकी अगली फिल्म के लिए सैफ अली खान के ऑपोजिट कंगना रनौत को कास्ट करने का सोचा है, और इसी सिलसिले में उन्होंने रिसेंटली कंगना से मुलाकात की। कंगना को अपेरेंटली स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है।
Priyanka Chopra, who plays a suave businesswoman from a Punjabi family in Zoya Akhtar's Dil Dhadakne Do, was asked to lose 7 kilos for this film. Priyanka, jinhone Mary Kom biopic ke liye apna muscle weight badhaya tha, strict diet aur regular exercise ki madad se ise 20 din mein lose kar payi. खबर आई थी कि सलमान खान स्टारर किक के एक स्पेशल आइटम सॉन्ग में सलमान के साथ उनकी अलेजेड एक्स कटरीना कैफ नजर आएंगी, मगर कटरीना के स्पोक्स पर्सन की माने तो कैट को अभी तक किसी ने इस सॉन्ग के लिए अप्रोच नहीं किया है. अमिताभ बच्चन उनके फिक्शनल टीवी सीरीज युद्ध के मार्केटिंग मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, प्रोमोज से लेकर फाइनल एडिट तक बिग बी इज ओवरसीइंग एवरीथिंग. करण जौहर, जिन्हें शूज का काफी शौक है, has commissioned a shoe designer to design blingy shoes for the contestants who will impress him the most in the upcoming season of a popular dance reality show, जिसे वो जज कर रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड असीम मर्चेंट इज अपेरेंटली गोइंग टू गो अहेड विथ मेकिंग हर फॉर्मर मैनेजर प्रकाश जाजूज बायोपिक इवन डिस्पाइट पीसी सेंडिंग हिम अ लीगल नोटिस. असीम कहते हैं कि इस बायोपिक के राइट्स उनके पास है और प्रियंका के नोटिस का रिप्लाई उनके लॉयर्स ने भेज दिया है. आदित्य रॉय कपूर ने हाल ही में एक हाई एंड स्पोर्ट्स बाइक खरीदी. आदित्य, जो कि एक बाइक एंथुसियास्ट है, ऑलरेडी ओन्ड अ स्पोर्ट्स बाइक बट बॉट दिस न्यू वन एज ही वांटेड समथिंग विद मोर स्पीड. खबरों की माने तो शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस के लिए म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत को रोप इन कर लिया गया है. दिस फिल्म इज एन एक्शन ड्रामा सेट इन गुजरात वेयर SRK विल बी प्लेइंग अ बूटलेगर. म्यूजिक माइस्ट्रो AR रहमान, जो कि इन दिनों लॉस एंजलिस में उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, विल बी फ्लाइंग डाउन टू मुंबई इन द सेकंड वीक ऑफ जून टू डू अ लाइव कॉन्सर्ट. इससे पहले 2011 में रॉकस्टार फिल्म के रिलीज से पहले रहमान ने लाइव परफॉर्म किया था. प्राची देसाई को एक टूथ सर्जरी करानी थी एंड शी हैड टू डिले इट ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट. प्राची ने इस दौरान पेन किलर लेकर और बहुत परेशानी झेलते हुए अपना काम खत्म किया, पोस्ट विच शी गॉट हर सर्जरी डन. सोनाक्षी सिन्हा काफी समय से टैटू करवाना चाहती थी एंड रिसेंटली शी गॉट हरसेल्फ इंक्ड. सोनाक्षी ने उनके कॉलर बोन पर एक स्टार बनवाया है और सुनने में आया है दैट शी माइट गो फॉर अनदर टैटू सून. पगली से अपना डेब्यू करने वाली यंगस्टर कियारा अडवाणी का असली नाम है आलिया और अपेरेंटली सलमान खान ने उनको कियारा नाम दिया व्हेन ही फाउंड आउट दैट शी इज अबाउट टू एंटर द फिल्म इंडस्ट्री. इसका मेन रीजन है टू डिफरेंशिएट हर फ्रॉम आलिया भट्ट हु इज ऑलरेडी अ नोन नेम इन बॉलीवुड. खबरों की माने तो शाहिद कपूर विल रिपोर्टेडली बी सीन इन अ साईफाई थ्रिलर जिसे अभिषेक चौबे डायरेक्ट करने वाले हैं. दिस फिल्म विल अपेरेंटली स्टार्ट रोलिंग इन अक्टूबर दिस ईयर. ऐसा सुनने में आया था कि राकेश रोशन और ऋतिक रोशन क्रिश फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म काफी बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं और अब ये पता चला है कि बिफोर दिस फिल्म द फादर सन ड्यो आर वर्किंग ऑन अनदर स्क्रिप्ट ऑफ अ बिग बजट फिल्म फीचरिंग ऋतिक वेयर ही विल बी सीन इन अ यूनिक अवतार. खबरों की माने तो वीर दास और सोहा अली खान स्टारर 1984 सिख राइट्स पर बेस्ड फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है. जब इस फिल्म के डायरेक्टर शिवाजी पटेल नेशनल अवार्ड लेने दिल्ली गए थे, तब किसी ने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की एंड ही वाज सो मूव्ड दैट ही डिसाइडेड टू मेक इट इनटू अ फिल्म. क्या कहा? अगर शाम तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरी बीवी को किडनैप कर लोगे? खबरदार, जब मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी दिखा दो. हाँ, आंख जुआ के देखना, छोटी है, नजर नहीं आती वो. अरे फोन पे क्या डरा रहा है, सामने आके लड़, माँ का दूध पिया दो. हाँ हाँ, मैं बिट्टू शर्मा बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, वही गरीब वाला. हाँ, जब पता तेरे को हमारे पास पैसे नहीं तो फोन क्यों कर रहा है? अबे चल फोन रख, मेरे को डरा रहा है फोन करके. बीवी किडनैप कर लेंगे, पैसे दे दो. ये खुशी वाली बात है, डराने वाली कौन सी बात हुई इसमें? पागल पागल लोग पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं. और मैं वैसे पाजी किसी डरता नहीं, क्योंकि मेरे गुरु श्री 420 गब्बर सिंह ने कहा है
कि जो डर गया सो मर गया, सो आई डोंट नीड टू अफ्रेड एनीथिंग। बाप रे बान मालिक मर गया। क्या भाई बिट्टू कैसे हो, क्या हुआ? लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मर के नहीं गया मैं। क्या हुआ भाई, घर में सब ठीक तो है? नहीं ठीक है जेठ जी, सब कुछ चोरी करके ले गए, कुछ नहीं छोड़ के गए। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ आपको किराया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो माँ के कंगन भी नहीं है। बस बस, ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ किराया लेने नहीं आया हूँ। अच्छा तो आइए बैठिए ना, क्या है और बताइए। ये बताओ, ये घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसे घर ना गई है सेठ जी, ये स्वर्ग है हमारा स्वर्ग। इतना लक्की घर है ये, शाहरुख सलमान जितने भी लोग आए सबकी फिल्म हिट। अच्छा अच्छा, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये लक्की घर खाली कर दो। ये रहा कोर्ट का नोटिस, शाम तक मेरा किराया दे दो और घर खाली कर दो, वरना तुम सब जेल में जाओगे, समझे? बोलता है शाम तक घर खाली करो, पेट भी खाली करना हो तो अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है, शाम तक घर खाली करवा रहा है मेरे से। का बच्चा। वे! मेरी नानी झूठ कहती थी भूत नहीं होते, भूत तो होते हैं। कहाँ है भूत? ए राजू, अच्छा? तू भूत बन के आ और सारे घर वालों को बोल दे भूत बन जाए, उसको डराएंगे हम लोग, शाम को पार्टी रखेंगे फेयरवेल, उसी बहाने उसको डराएंगे। साहब जी मैंने भूत नहीं बनना, मरता मर जाऊंगा लेकिन भूत नहीं बनना मैंने। राजू देख, भूत तो तेरे को बनना है, आगे चॉइस तेरी है कि जिंदा रहते बनना है कि मरने के बाद। चल जाता हूं मैं यार, क्या करते हो आप? ये क्या? हमने क्या कि कभी आपको कभी पार्टी नहीं दी, तो मैंने कहा जाते जाते फेयरवेल पार्टी, सारा इंतजाम किया सर, ये पैक वैक सब गाने वाने वाले लोग भी मंगवाए हैं। अच्छा हाँ। गाने वाले हैं? धीरे गा कुप्पा लो बजा। किसी को कुछ नहीं दे दूंगी, ये कर की मैं बाजीराव सिंघवी। भूत, भूत है। क्या भूत है? अरे वो वहाँ। हाँ। कोई भूत नहीं है यहाँ, पीछे कब्रिस्तान है वहां पे आपको हर प्रकार के भूत मिलेंगे, इधर कोई नहीं, बैठिए ना आप। अरे बैठिए सर। तुम्हें कब्रिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम यही आए हैं। सुना सुना तुमने? चुड़ैल चुड़ैल। कौन चुड़ैल? अभी तो यही थी चुड़ैल। अरे आपको कुछ नहीं हुआ, आप बोतल खोल दी ना, मैंने उसकी हवा आपको चढ़ गई है। बैठिए आप, बैठिए, मैं आपको ड्रिंक बना के देता हूँ, डर नहीं लगेगा। मेरे लिए ना कुछ स्पाइसी खाना मंगवा दो। स्पाइसी? स्पाइसी खुद के घर में स्पाइसी के नाम पर मिर्च खाते हैं, और यहाँ स्पाइसी खाना चाहिए। ए मुंह संभाल के बात कर। इसका तो मुंह ही नहीं है। घर भी कहाँ है अगर मुंह नहीं तो क्या है? ए, क्या क्या आपके आपके बगल में खड़ा है, इसका मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। कौन खड़ा है मेरे बगल में? अरे ये काला काला कपड़ा, वाइट कपड़ा, वो टाई टाई पहनी हुई। मैंने सोचा था कि आज एपिसोड की शुरुआत गाने से करूंगा, लेकिन कहते हैं कि जो आप सोचते हो भगवान उससे ज्यादा बेहतर सोचता है। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन होगी शुरुआत गाने के साथ ही, और शुरुआत करेंगे वो जिनको कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री की सुपरहिट म्यूजिक मशीन। तो समझ तो आप गए हैं। तो अपनी फिल्म एक्सपोज का जश्न मनाने हमारे बीच शामिल होने जा रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर हिमेश रेशमिया। Oh,
डेयरी दूध का काम छोड़ के ये कब से शुरू कर लिया तूने रिक्शा चलाना? देखिए शर्मा जी, बात ऐसी है कि जब कस्टमर दूध के पैसे देते ही नहीं है तो भैंसिया तो बिकेगी ना। देखिए एक नंबर के फ्रॉड आदमी है, हम आपको बता रहे, आप भी बच के रहिए, कहीं आपके गाने की सीडी में से सारे गाने ना निकाल लें ये। हिमेश जी, सीडी में से गाने निकाल सकता है कोई? अरे आपका क्या भरोसा है, यहाँ पर एक लकड़ी की बकरी में से दूध निकाल लेता है जो व्यक्ति। वो कुछ भी कर सकता है। और हिमेश जी आप बच के रहिए, ये आपके रेशमिया में से रेशम भी निकाल लेंगे। वैसे हिमेश जी, आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछना था, मतलब पूछिए। सवाल बस यही है कि आप ऐसे मतलब स्लिम ट्रिम थिन एंड क्रिस्पी कैसे, मतलब हाउ? ये तो सही बात है हिमेश जी, आपने बहुत सारे रियलिटी शो में देखा, हमने हमेशा कंटेस्टेंट को कहते थे मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, उनको बोल के और अपने घर में रोटी बनवाना बंद कर दिया, खुद दुबले हो गए। रोटियां जरूर बंद करनी पड़ती है सर, हर एक बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, हर एक बंदे की एक अपनी खूबी है, जो आपकी खूबी है वो और किसी में नहीं है, और आपकी वही खूबी के जो दीवाने हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं उनमें से। जी भाई साहब, मेरा सर, मेरा सवाल हमेशा से है जी। सर मैंने सुना है कि आप एक दिन में बहुत सारे गाने कंपोज कर देते हैं, तो मैंने कोई चार लाइनें लिखी हैं, आप उसको कंपोज करेंगे अपने अंदाज में? हाँ बताओ। रात के अंधेरे में मिला है एक उल्लू, मुझे कहा गर्मी में चलेंगे कुल्लू, ले गया मेरे 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 से टिकट के पैसे और हाथ में दे गया बाबा जी का ठुल्लू। चलिए कोई रिदम दीजिए, ट्राई करते हैं।